हाय एवरीवन दोस्तों, तो आज के नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। सबको हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता जी। तो बज चुके हैं 11:30 और देखो सिटी की आवाज आ रही है, क्योंकि अभी सब्जी भी रख दी है और दाल चावल रख दिया है, क्योंकि आज तो है ना बहुत लेट हो चुका है। तो मेरे बाल भी अच्छे सवारे नहीं है, इससे ही पहले खाने की तैयारी भी करनी पड़ेगी। और यहाँ देखो कितना पानी सब गिरा है ना, तो चलने में बहुत दिक्कत रहती है। इसमें दाल चावल रख दिए, इसमें लौकी की सब्जी रख दी है, क्योंकि लौकी हम लोग ज़्यादा खा रहे हैं। लौकी खाने से दिमाग हमारा ठंडा और बढ़िया रहता है। दूधी खाओ और बुद्धि लाओ, तो आपको ऐसा लगता नहीं है मेरा दिमाग कम चल रहा है। हाँ, कारण के मैंने बदा एम के तारा बुद्धि ज नहीं, तारा बुद्धि ज नहीं, इसलिए मैं रोज ये 8 दिन में 4 दिन लौकी की सब्जी खा रही हूँ, ताकि इसमें कुछ आ जाए। तो देखो मेरा चावल है ना, उसमें सिटी नहीं कम रही। देव बापा बापा बापा, बंद थी गया मेरी माँ। तो ऐसा है सब। और पानी देखो यहाँ से कितना आता है, जो कितना पानी ये सब यहाँ से आता है, ये नीचे से वो पाइप है ना, पाइप खराब हो गई है। जितना पानी इधर गिरा हो इतना यहाँ से निकलता है पूरा। तो मेरा किचन रिपेयरिंग मांग रहा है, कोई बात नहीं, सभी रिपेयरिंग करने लायक चीज घर में पड़ी है, इसमें मैं भी आ गई। तो आज है बुधवार और कृष्ण वो बुधवार रहा है, इसलिए मैंने सोचा वो पता नहीं अभी अभी है ना, वो भूखे रहना ज़्यादा पसंद करता है। आज सुबह मैं उठा तो बोला मुझे बुधवार रहना है, मैंने बोला रहे है सोमवार रहे, बुधवार रहे, मंगलवार रहे। तो उसने बोला जो आपके मन में आए वो खाना बना देना। कृष की अम्मा कभी फरमाइश नहीं रही थी, मेरा बच्चा इतना अच्छा है कि वो खाने के लिए कभी फरमाइश नहीं करता, जो मेरी पसंद का है वही खाना खा लेता है, जो मैं बनाती हूँ वही। वैसे बाहर की चीज़ सब फरसान, आप लोग देखते हो रोज़ मेरे ब्लॉग में, कोई नई चीज़ उसको अच्छी नहीं लगती, सब्जी रोटी ज़्यादा पसंद करता है। तो अभी वो खा के चला गया है। तो गाइस अभी है ना बालों की समस्या ज़्यादा होने लगी है, और आज क्रिश तो सुबह उठा तो बहुत टेंशन में था, मैंने बोला ऐसा मुंह करके क्यों बैठा है, आईने में क्या तू देख रहा है। वो बोले मेरे माथे पे मम्मी बाल बहुत मेरे झड़ते हैं, तो मुझे टेंशन आ गया, क्योंकि अभी तो मैं यंग हूँ और मेरा ऐसे बाल झड़ने लगेगा तो क्या करेंगे। मैंने बोला हमारा क्या है कि सब वारसा ही होती है, हमारे सब परिवार में सबका ताल ही है टकला, सब पूरे टकले वाले ही हैं, तो इसके पापा भी टकले हैं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, तेरे पापा टकले फिर भी मैं आ गई हूँ इतनी अच्छी, तू टकला होगा तो भी मिल जाएगी तुझे। तो ऐसे हंसी की बात कर रही, मजाक कर रही हूँ गाइस। तो अभी आज है ना उसके लिए हमें भांगरा ढूंढने जाना है, तो मैंने बोला तू भांगरा बालों में लगा दे तो झड़ना बंद हो जाएगा। तो अभी आगे आगे देखते हैं कहीं मिल जाएगा, क्योंकि जब नदियाँ बहती हैं ना वहाँ भृंगराज मिल जाता है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है भृंगराज किसे कहते हैं। तो आज हम ढूंढने वाले हैं भृंगराज, पहले तो उसका पौधा कैसा है वो जानना पड़ेगा, फिर लेने जाएं। तो गाइस मस्त मजानी अपनी दाल उकड़वा मंडी छे, देखो सरस मजानी। तो अभी दाल अने अहीं छे ने लोट बंधाई गयो छे, आटा भी गूंद लिया है गाइस, और ये तो सामने ही खड़ा रहता है। अभी इसको है ना ऐसे ढपके रख देंगे, ताकि इसमें अभी है ना देखो छोटे छोटे उफणगा फूटने लगे हैं, तो थोड़ा सा और पानी इसमें ऐसे ऐसे डाल देंगे। और चलो सब्जी भी हो गई है और बना देते हैं फटाफट से रोटी। रोटी लाओ, इसको ढक के रख दें, क्योंकि मक्खी बहुत रहती है। और इस पे चावल भी हो गया है, चावल है ना बहुत गर्म है, ऐसे ढक के रख देंगे। चलो फटाफट से अभी बनाते हैं रोटी। राम
गरम चावल रहा, पानी डाल दिया घट ज्यादा हो गए थे ना, पानी डाला ही नहीं था, ऐसे बघार कर दिया था। कोई बात नहीं, चलो भूख तो बहुत लगी है, 12:30 बज चुके हैं, अभी क्रिश आएगा 2:30 बजे। तो थोड़ी देर से बैठ के फिर किचन में जाएंगे, फटाफट से रोटी बनाएंगे, फिर आपके साथ मिलूंगी। रोटी बनाने के वक्त नहीं, आपको मैंने बहुत रोटी बनाने को दिखाया अभी नहीं। આટલા પલડી નહી વાત, મેં અહીંયા આટલો વરસાદ નહી, કોર્ટ માં ગયા હતા, કોર્ટે કોઈ કેસ નથી કર્યો તમારા ઉપર, કેસ હતો તો જામીન દેવા, જામીન થઈ ગયા, ગઈ આવ્યા ઘર, જામીન થઈ સેના હતા, એક્સિડન્ટ પણ આ તું સમજો તો પલ્લી ગઈ આખા તો પલ્લી જાય ને, વરસાદ અહીંયા તો નથી, શ્રાવણ મહિના નો કેવાય, શ્રાવણ મહિનાનો, શ્રાવણ મહિનામાં આવો જ વરસાદ હોય તો। ગાઈસ દેખો અભી મગા કા બારિશ આ રહી હૈ ઓર હમ ઉસકો કે પાણી થોડા સા લેના હૈ તો યહાં રખ દેતે હૈ અભી તપેલી, ક્યોંકિ થોડા સા પાણી ઉસકા લેંગે, યે પાણી હૈ ના બહુત અચ્છા હૈ મગા કા, તો વો પીના ચાહીએ, આંખ મેં ડાલના ચાહીએ, ફેસ બાલો કે લીએ, નાને કે લીએ, लेकिन अभी ज़्यादा बारिश आए तो ले लेना है, कल बारिश बहुत आई थी लेकिन मैं ले नहीं सकी गाइस। तो गाइस देखो मगा बरस रही है, और जब मगा बरसते हैं तो इस साल हमारा अच्छा रहेगा सब बोलते हैं, उसका पानी पीना पड़ता है, शरीर के लिए भी अच्छा रहता है, देखते हैं। तो जब ये नक्षत्र बरसता है ना तो पूरी साल अच्छा होता है, और लगता है मूंगफली भी अच्छी होगी क्योंकि ये बारिश आ गई ना, मूंगफली के लिए बढ़िया है। तो मूंगफली जिसने जिसने बनाए करी है, खेत पे लगाई है, वो तो माला माल हो जाएंगे तो देखो 2 रख दिए है मैंने पीने के लिए, 2 पूरी भर जाए तो अच्छा है। वैसे कल बारिश ज़्यादा आई थी लेकिन कल मैं काम में व्यस्त थी ना तो नहीं लगा पाई, फिर आज मैंने सोचा। तो गाइस आवी जाऊं जम्मा मंडी, तो आवी जाऊं जम्मा मंडी, 98 देम कहू छु तने, दाल छे ओए 98 देम कहू तने, समझा तू नथी, આ શેતાન આવી ગયો જમવા, એને કારણ કે હું વિડિયો સ્ટાર્ટ કરું ત્યારે જ તેને અથાણું છું, તો આ જો આખી બોટલ દીધી ખાઈ કાઢે, લઈ લે લઈ લે કાઢ। तो गाइस देखो खाना बाना हमारा हो गया, अभी 2:30 बजे क्रिश 2:30 बजे आया, क्योंकि एक पेशेंट बहुत गंभीर रूप से आ गया था इसलिए उसको हॉस्पिटल से आने की देर हो गई गाइस, और अभी इतने बर्तन मेरी राह देख रहे हैं दाल चावल नहीं बनाने के कारण यही है बर्तन, क्योंकि जब दाल चावल होता है ना तो बर्तन ज़्यादा बढ़ जाता है, सब्जी रोटी में ऐसा नहीं होता है। तो थोड़ा सा थक गए हैं और खाना ज़्यादा हो गया है ना तो नींद आ रही है, लेकिन 2:30 बज चुके हैं, मुझे बाहर जाना है, तो फटाफट से काम निपटा लेती है, बाय मिलते हैं। कृष्णा मगा नक्षत्र नु पानी जो आटलू भराण अर्धो ग्लास में पी दो, अर्धो तारा मत रेखियो, પાણી પીવાથી ક્યારે બીમાર ન પડી, હાલમાં દીકરો સંભળાય, મસ્ત ફિલ્ટર છે, એક ઘૂંટડો ભેર તો ન ફાવે ને તો મૂકી દેજે, તને એટલો ભરોસો નથી, કડક પાણી ખરેખર, આમ જો પછી આમ આમ કરીશ ને, આ પાણી પીવાથી એસિડિટી ન થાય, આપણા રોગો ને નીચે તો 2 ગણાથી ગાયડું, સાવ સાચું। તેર ઓલું ગોતિયાવાનું છે, શું હું કેવે, ઢુંગરાજ ભાંગરો, ભાંગરો ભાંગરો ક્યાં મળે ખબર તને, ક્યાં મળે ભાંગરો, મળે નદી હોય, પાણી વહેતું હોય, ડેમ નો પાળો હોય, કુવા કાંઠે હોય, જ્યાં પાણી બહુ હોય ત્યાં જવું પડે મારે, હું ભાંગરો લેવા, હમ તો એક કામ કરજે ને તું, શું આપણે મોબનેસ ડેમ છે ને એમાં પડી જાય, તું ન આવે તો હાલશે, બાકી ભાંગરો લેતો આવ, મોબનેસ ડેમ માં પડવાનું, એને કાંઠે હોય આજુબાજુ, હા તો એ જોઈએ જ બોલતા રે, આજે જ જોઈએ મને, નો આવે ઉતની મજા આવે, પછી રાત્રે તું વાળમાં લગાડીશ,
નદી માં પડી જાય છે, બાકી ભાંગરો લાવવાનો છે. પત્તી હોતી ભાંગરે કી મુજે તો યહી લગતા હૈ ફિર પતા નહીં અભી અભી દેખને જાયેંગે. और ये भी मैं तो पहले इसको भांगरा बोल रही थी तो सब बोले ये नहीं है. तो देखो शुक्रवार में ये जो पानी है ना वो सिर्फ ही सिर्फ मेरे घर का ही पानी है. देखो ये सब जब बारिश आती है ना तो ऊपर से पानी आता है फिर मेरे आंगन से यहाँ निकलता है. और अभी मैं निकल पड़ी मेरे फ्रेंड के घर पे. फोन किया नहीं है, घर पे हो तो अच्छा है वरना मेरा तो धक्का होगा धक्का. तो गाइस देखो हमारे गांव में ऐसा छोटा सा पंखड़ी लगी आए तो पंखो ने नानू नानू रसो मुझे तमार मकान आखू ले लें सरस. तो गाइस जो भांगरा नु झाड आपने मिली गयु छे आने केवे भांगरो भ्रूंगराज. तो गैस देखो अभी सब लेके आ गए, जो लेने गए थे वो मिल गया और मैं सब लेके आ गई. इसमें भ्रूंगराज का पौधा भी है और भांगरा किसे बोलते हैं वो पता चल गया क्योंकि मैंने तो कभी देखा नहीं था. और देखो ये है नागरवेल, तो नागरवेल भी लगा देंगे, इसके पत्ते बढ़िया रहते हैं. खाई के पान बनारस वाला पीछे अपने बनारसी पान मथी बनावशु मुखवास. तो जो आप आवी गया छे अभी जाएंगे घर पे और गाड़ी पड़ी है तो मेरे पापा आ गए हैं. देखो गाड़ी भी है जल्दी जल्दी और धूप भी लग रही है. देखो मेरी आंख नहीं खुल रही. तो गाइस देखो अभी भांगरा भांगरा मैंने सब आंगन में लगा दिया है जब इसका पौधा हो जाएगा ना बाद में आपको मैं दिखाऊंगी. और यहाँ से थोड़ा थोड़ा मैंने घास निकाला, वैसे तो अच्छा है सब. अभी कल बारिश हुई ना तो ऐसे निकल जाता है थोड़ा थोड़ा. तो ऐसे ऐसे मैंने खींचा देखो. और फिर ऐसे घा कर दिया क्योंकि यहाँ पे है ना बहुत घास हो गए हैं. नीचे गिर गया और मीत आ गया है मीत. तर मम्मी सीख गया ये उठ तो तार सात माठम करवा जावानू घरे क्या रे आठ माठम मा अना साइकिल तो एक रन मारवा दे मने सेम खड़ी रही जरा गया ब्रेक ना से आवा लगती तो पड़ी जाए लाइट वाला हूं पेंडे लेना थी તો નહી દે તો નવી લઈ લે ને તો આપણે બે ને હલાવા થાય. નવી લઈ લે કેટલા વાળી 5000 વાળી. અરે વાહ જો મન મિતભાઈ સાયકલ લઈને આવી ગયા. બિચારો કે એમાં ચેન નથી હવા નથી કાંઈ નથી એટલે તમને કેમ દેવી. એ વાત એ સાચી. યહાં સે નિકલ ગઈ ઘૂમને કે લીએ. દેખો મસ્ત મસ્ત. તો ગાઈસ દેખો અભી ઇધર બેઠ ગયે હૈ ક્યુંકિ આ ટાઈમ નહીં નિકલ રહા થા તો આંગન મેં એસે બિલ્લી કે પેડ નીચે બેઠ ગયે થે ક્યુંકિ એ બિલ્લી કા પૌધા હૈ ના ઉસકે નીચે બેઠે બેઠે જો શિવ કા મંત્ર જાપ કરતે હૈ તો અચ્છા રહેતા હૈ બહુ પુણ્ય મિલતા હૈ ઉસકે નીચે દીપક જલાના ચાહીએ
सभी शिव नाम का जप करना चाहिए। तो मैं अभी बैठे बैठे थोड़ा सा शिव पुराण का एक दो अध्याय वाचा और थोड़ी थोड़ी जो आता है वो नमः शिवाय का जप किया और ऐसे बैठ गई हूँ। तो आज क्या है, जब बादल रहता है ना तो मेरी आधा सीसी में सर दर्द रहता है। और आज था कृष्ण का, वो आपने वो मैंने दिखाया ना वो भृंगराज का, तो अभी तो मैं नदी पे तो गई नहीं थी, वहाँ होगा, लेकिन वो मेरे फ्रेंड के घर पे गई थी तो वहाँ से मैं लेके आई भृंगराज का। ऐसा छोटा सा पौधा उसने दिया और एक बड़ा दिया, तो मैं आके आंगन में मैंने रख दिया है और लगा दिया, तो थोड़ी वो मेहनत कर ली है, अभी चिपका दिया है। थोड़ा सा मोटा हो जाएगा तो आपको मैं दिखाऊंगी गाइस, पता नहीं सब बोल रहे। और अभी देखो इस पे मैंने ऐसा ही पत्ता रगड़ा था ना तो भी मेरा हाथ ब्लैक ब्लैक हो गया। तो सब बोलते हैं कि भृंगराज का पौधा अच्छा रहता है, वो उसके पत्ते हैं ना उसको ऐसे काट के उसका ऑयल बनाएंगे, हेयर ऑयल बढ़िया रहता है। तो अभी कृष खुश हो जाएगा, उसको तो ऐसा लगा था कि मैं बहुत जा थी लई ने हूँ आविश बहु एम कि मारी मम्मी केटलो बधो भृंगराज લઈને આવશે ને તો હું આખા માથામાં લપેડો કરી દઈશ, તો એવું કાંઈ છે નહીં। અને અહીંયા બહુ મચ્છર આવે જો, તો બહુ મચ્છર ઉડ રહે ગાઈસ। તો ભી સંધ્યા કા ટાઈમ હો ગયા, તો ભી હમ જાતે હૈ અંદર। તો યે ભી દેખો બિલ્લી કે પેડ નીચે અચ્છા સુકૂન મિલતા હૈ શાંતિ। ઓમ નમઃ શિવાય, હર હર મહાદેવ, જય મહાકાલ, જય માતાજી। તો આજ કા વ્લોગ ભી ઇધર એન્ડ કરતે હૈ। તો વ્લોગ આપકો કૈસા લગા કોમેન્ટ મેં જરૂર કહે, પસંદ આયે તો લાઇક શેર સબસ્ક્રાઇબ કરી। બાય બાય, મિલતે હૈ કલ નયે દિન મેં કુછ નયા કન્ટેન્ટ લેકે, તબ તક કે લિયે બાય, જય મહાકાલ।